हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल, स्वागत करता हूं हेल्प गुरु चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी मैं तुरंत एग्जाम देके आ रहा हूं और मैंने सोचा चलिए मैं आपके लिए एक शॉर्टकट वीडियो बना देता हूं। किसी भाई की कमेंट आ रही थी कि भाई जो आप डीजे वाली एम्पलीफायर जो बनाए थे उस पर जो एलईडी मैंने लगाया था, एलईडी म्यूजिकल लाइट जो मैंने बनाया था, वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। मतलब फर्स्ट एलईडी ग्लो कर रहा है और बाकी जो लाइट है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा। तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपको रिपेयर वाली भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। बस आपको करना ये होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्टेप है और जो कि स्टेप आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप म्यूजिकल लाइट को बना भी सकते हो। और ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जिस भाई की जो क्लिप थी उसने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया है, अगर आपसे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जो कि मैं आपको देख करके आपको मैं बता दूंगा। तो म्यूजिकल लाइट का जो डायग्राम है वो भी मेरे पास यहाँ पर है, ये आप देख सकते हो डायग्राम मेरे हाथों में है। और उस वाले वीडियो पर भी मैंने बनाया था लेकिन वो बहुत पुराना वीडियो था और उसमें क्वालिटी भी वैसा नहीं था जिस पर आपको मैं ध्यान से दिखा सकता, क्लियर से दिखा सकता। तो इसलिए मैंने ये हाई क्वालिटी वाला वीडियो फिर से मैं बनाने के बारे में सोच लिया हूँ। और ये वीडियो 100% वर्किंग करता है और मैं आपको बता दूंगा कि स्पीकर पर वोल्टेज कितनी आती है, आउटपुट वोल्टेज कितना है, जिससे एलईडी कितना आपको लगाना चाहिए कितना नहीं लगाना चाहिए, ये मैं सब बताऊंगा। तो चलिए आप वीडियो को तुरंत से हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आपको जो जो सामान लेने हैं वो भी मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी शो करवा दिया है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमें एलईडी लाइट लेनी होगी जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास रेड और ग्रीन कलर की एलईडी है जो कि मेरे पास ये 6 पीस है, तो मैं 6 पीस को यूज करूंगा। आपको मैं बता देता हूँ जैसे कि आप स्पीकर कितनी वोट की यूज कर रहे हो ये मैं आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं जो स्पीकर यूज करने वाला हूँ वो 8 इंची का है और 35 वॉट का स्पीकर है, तो उस पर ये 6 LEDs आराम से ग्लो कर जाएगी। और आउटपुट में आपको कितना वाट का लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आउटपुट जो पावर सप्लाई जो होती है जो हमारे एम्पलीफायर से निकलती है, आपको उसके आउटपुट में पहले से लिखा हुआ होता है कि वो कितना वाट का आपका एम्पलीफायर बोर्ड है, उसी हिसाब से आपको एलईडी को लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 6 LED को यूज करने वाला, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से कलर कोड के वाइस में मैंने यहाँ पर बताया है। और आपको यहाँ पर 330 ओम्स के रेजिस्टेंस भी लेने पड़ेंगे जो कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है रेजिस्टेंस का पूरा बॉक्स जो कि अगर आप कोई से लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ। और इसमें आपको बहुत तरह की आपको इसमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी, तो यहीं पर 300 ओम्स का भी रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, तो मैं उसे निकाल करके आपको मैं कनेक्शन करके बता दूंगा। तो अभी हम रखते हैं इसे साइड में और इसके आगे कनेक्शन में बात करते हैं तुरंत से, क्योंकि इसे मेकिंग में डायरेक्ट कर लूँगा आपको मैं डायग्राम के द्वारा ही बता दे रहा हूँ। तो 330 ओम्स का रेजिस्टेंस, अगर आपको 330 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो आप इसमें 4700 UF का ही लगा सकते हो, 470 UF का लगा सकते हो, या 1K का लगाओगे तो वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और एक कैपेसिटर हमें लेना पड़ेगा, एक नहीं दो कैपेसिटर लेना है, जो कि यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया, 25 वोल्ट 470 UF का एक दो कैपेसिटर हमें ले लेना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कितना लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब जितनी LED लगाओगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको ध्यान से समझना होगा। और यहाँ पर जो डायवोट है IN407 का डायवोट वैल्यू ले लेना, जो कि आपको पुराने चार्जर या कोई भी सर्किट में इजीली से मिल जाता है। तो उसे हमें कितने पीसेस लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पीसेस लेने हैं। अब आपको आते हैं कनेक्शन में, कनेक्शन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, मैं फास्ट पार्ट इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप शॉर्ट वीडियो में तुरंत समझ जाओ, आपको इसलिए डिटेल से कोई भी नहीं समझाने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखिए LED का जितना भी नेगेटिव पॉइंट है उसे सभी को हमें नेगेटिव को इस तरीके से शॉर्ट कर देना है एक साथ, उसी के साथ जो LED का जितना पॉजिटिव रहेगा उस पर हमें रेजिस्टेंस को लगा देना है। चाहे आप 330 ओम्स का लगाते हो, 470 ओम्स का लगाते हो, या 1K का लगाते हो, सभी को आपको पॉजिटिव में ही लगाना है। अब जो डायोड रहेगा तो डायोड का यहाँ पर देखिए, ये जो आप कलर कोड यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा तरह ब्लैक है, ये इसका नेगेटिव है, ये प्लस है। आपको पता है जब हम बैटरी को मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो डायोड का जो पॉजिटिव पिन रहता है वो हमारा बैटरी में कनेक्ट हो जाता है, जिससे उसके जो नेगेटिव पास में आता है वो करंट इसमें वापस रिपीट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर डायोड का यूज किया गया है। मतलब हमारा मान लीजिए 1.5 वोल्ट अगर दे रहे तो 1.5 वोल्ट में सिर्फ ये LED ग्लो करेगा, जब हम 3 वोल्ट बढ़ाएंगे तो 3 वोल्ट में हमारा ये LED ग्लो करेगा, फिर उसी तरीके से ये मैक्सिमम देखिए तो 4 5 6 7 मतलब उसे 9 वोल्ट के आसपास में ये पूरा सर्किट बन करके कंप्लीट होता है। अगर आप इस तरीके से बनाना नहीं चाहते, शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे सीधा सीरीज में लगा देना तो ये वर्क करने लगेगा, लेकिन बाय अगर आप इसे करते हो बनाते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का नेगेटिव हमें LED के नेगेटिव के साथ लगाना पड़ेगा, और इस वाले कैपेसिटर का पॉजिटिव और इस कैपेसिटर का नेगेटिव हमें एक साथ इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है, शॉर्ट कर देना है। और जो इसका पॉजिटिव आएगा इसे हमें डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और जो डायोड हमारा जो था उसका एक पॉइंट हमें माइनस का यहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव और इस वाले डायोड का नेगेटिव एक साथ कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और फाइनली जो कनेक्ट होकर आएगा वो आएगा पॉजिटिव यहाँ से और एक यहाँ से।
बस। और इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कनेक्शन कर देना, स्पीकर के वायर पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आप अगर सोचते हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसे पॉजिटिव मान लेना, ये वाला पॉजिटिव मान लेना और ये नेगेटिव मान लेना। चलिए अब हम इसे डायरेक्ट टेस्टिंग करते हैं, मैं इसे मेकिंग कर लेता हूँ, बीच में आपको शॉर्ट भी दिखाऊंगा। The next day, फ्रेंड जैसे मैंने आपको बोला था कि जो म्यूजिकल लाइट है वो मैं आपके लिए बना करके कंप्लीट कर लूंगा, तो डायग्राम के बेस से मैंने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, जो कि 30 वाट के एम्पलीफायर के साथ में कनेक्टेड है। यहाँ मैंने पीसी के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, जो कि अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर आपको जरा भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, जिसकी भाई की नहीं बन रही थी मैं आपको बताता हूँ, डायोड पर आपका प्रॉब्लम था, आपने शायद डायोड को नहीं लगाया है, तो आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि डायग्राम के बेस्ट पर ही मैंने बनाया है। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तुरंत से मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पीसी को मतलब जो साउंड है उसे मैं यहाँ पर प्ले कर ले रहा हूँ, म्यूजिक को मैं थोड़ा अभी डाउन कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हो, अभी आपको म्यूजिक नहीं दिख रहा होगा, मतलब लाइट, फ्रेंड्स मैंने आपको इसलिए इतना देर तक मैंने टेस्ट करके दिखाया क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट होता है कि इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तब ये वर्क करता है, वरना ये वर्क नहीं करता है, तो इसीलिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो वीडियो को रिकॉर्डिंग करके, मैं आपको सोल्यूशन इसका बता दूंगा। तो यहाँ पर बस आज के लिए बस इतना ही आपके लिए बनाना था, आज के लिए बस इतना ही, मिलने की जरूरत के साथ न्यू टॉपिक के साथ, आपके लिए जय हिंद जय भारत। Oh